सरोकार। सांसद खेल महाकुंभ का हुआ आयोजन, सीएम योगी और पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। साइबर ठगों के खिलाफ एसपी प्राची सिंह की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ के ठगी आरोपी को किया गिरफ्तार। सेम्बशी गांव में अजगर निकलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू। फिरोज गांधी कॉलेज सभागार में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक किया हासिल। आइसक्रीम पार्लर कर्मचारियों से हुई मारपीट, दबंग रुपए से भरा बैग छीनकर मौके से हुए फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अखिलेश यादव का भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान सामने आया है। तेलंगाना में हुई बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाता है, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, अब सरकार खुद अपने दिन गिनने लगी है। वहीं बीजेपी पर बरसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 400 दिन बाद भी रुकने वाली सरकार नहीं है, चुनाव को देख सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बोला, प्रधानमंत्री बनने के लिए गुजरात भी यूपी आए, जहां एक बार तेलंगाना से सफाया हुआ था, उसी तरह यूपी से भी हटाएंगे। खबर बस्ती से है, यहां सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। सीएम योगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। पीएम मोदी वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में करीब 2,90,000 छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम और 50,000 खिलाड़ी खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस दौरान 22 तरह के खेल, 8 प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 8 दिनों में किया जाएगा। कार्यक्रम का सचिव प्रसारण नमो ऐप डीडी स्पोर्ट्स पर किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सांसद खेल महाकुंभ प्रतियोगिता 18 से 22 जनवरी तक आयोजित की जानी है। खबर बिजनौर से है, यहां थाना किरतरपुर के विरदो नगली गांव में एक युवक को युवती के इंक के खेत में कुछ दबंगों लोगों ने पकड़ लिया था। इस दौरान दबंगों ने युवक युवती के साथ जमकर मारपीट कर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर आरोपी दबंग युवकों की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए हैं और उनके ठिकानों पर पुलिस अधिकारियों की लगातार दबिश की जा रही है। जंगल में एक लड़के लड़की को कुछ लड़कों के द्वारा पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए जानकारी करने पर यह तथ्य ज्ञात हुआ कि यह वीडियो ग्राम बिरदो नगली थाना किरतपुर क्षेत्र का है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी करके अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। खबर चंदौली से, जहां परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों ने यूरिनल बाथरूम के निर्माण कार्य को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने यूरिनल बाथरूम बनने से नए निहालों को संचारी रोगों का खतरा होने की संभावना जताई है। अध्यापकों ने कहा कि ग्राम पंचायत में पर्याप्त जमीन उपलब्ध होने के बावजूद प्रधान के निर्देश पर स्कूल के पास बाथरूम का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में अध्यापकों ने प्रधान से बात करने की कोशिश की है, पर उसने फोन कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझा। सर, मामला ये है कि एक यूरिनल बन रहा है हमारे कक्षा कक्ष से सट करके बाहर जी, तो उस जो हमारे कक्षा की खिड़की खुलती है एकदम जस्ट उसी के पास में बन रहा है। तो हम लोगों को जब पता चला कि इधर बन रहा है तो हम लोग जा कर के उससे उनसे प्रधान जी से ये बोले फ़ोन से कि प्रधान जी, इसको थोड़ा सा दो भागों में जो बन रहा है तो एक भाग आधे वाले भाग को थोड़ा सा और हमारे खिड़की से दूर कर दीजिए, नहीं तो इसकी बदबू हमारे क्लास में इतनी ज़्यादा आएगी कि हम लोग बैठे नहीं रह पाएंगे।
एक क्लास है जिसकी खिड़की एकदम बगल में खुलती है, यूरिनल अगर वहाँ बनता है तो बच्चों के अंदर संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर हमेशा रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो यूरिनल एकदम फट के बन रहा है वह चीज़ थोड़ा सा 10 फीट आगे बने, जबकि हमारे पास पर्याप्त जगह है वहाँ। जितने क्षेत्र में यूरिनल बन रहा है उसका 1.5 गुना जगह हमारे पास पर्याप्त बचता है। अगर प्रधान जी चाहें तो वह जो हिस्सा एकदम स्कूल से फटा हुआ है, क्लासरूम से, खिड़की से फटा हुआ है, वह उठा के उधर कर सकते थे। कल हम लोगों को जब जानकारी हुई हम लोगों ने उसको रोकना चाहा, प्रधान जी ने कहा भी कि हम ठीक है रुकवा दीजिए हम आते हैं, लेकिन प्रधान जी शाम तक नहीं आए। आज काम लगा है स्कूल आने के बाद हम लोगों को, बाहर के लोगों से पता चला है, तो हम लोगों ने दोबारा वहाँ पहुँच के उसको रोकने का प्रयास किया, फिलहाल काम रोक दिया है। खबर देवरिया से है, यहाँ मदनपुर थाना के गांव पिड्डी में एक युवक को कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी पर पहुंची डायल 112 ने घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान 2 दिन बाद आज डॉक्टर की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने बिना अनुमति के शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करा दिया है। उन्हें से पलटल लो नहीं जाता, तो भी रोडवा में पी के इन्ने से उन्ने होते रहते, हमारे भाई का दिमाग चकड़ गया बट लाग गए, तो उनकर पैर में आ गई चोट, तो उस बीच हमने के मार के 2-3 जाफड़ बेच देना लो घर एक अतना लो जाके पैसा लेके आ बुला के, जब अपने अम्मा के लेके जात रहनी तो हमने के दोनों जानी के लगन लो पकड़ के आके घर ही मरना लो, हमारे भाई के मार देना लो, हमारे भाई एकदम अथी हो गए, आयल 100 नंबर लेके गए, ले आवे दुकानी पर साबुन ले आवे दवाई वाई लेवे के रहल, आ उन्ने से इन्ने से चल गए लो, उन्ने से लवट न तो जात रह न, आ बस ही लाग गई नहीं के गाड़ी से ठोकर लागल, हमरे झूठ नहीं खे बोले के वो गिर गई ना ई हो, ओकरे बाद उनकर गोड़े में का जाने चोट मतलब लाग गई, ओकरे बाद हम हल्ला कई न से लैका तो हम लगनी बुलावे, लगन से लैका बुलावे दौड़ल गई नहीं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि रावत हमारे साथ जुड़ेंगे। देखा जाए रवि, तो एक गांव के युवकों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी है दबंगों ने। आपको बता दें कि यह देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक युवक एक्सीडेंट के दौरान युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का परिजनों का मानना है कि युवक का एक्सीडेंट हो गया था, तभी कुछ लोगों ने घेर कर उसे पीट पीट कर मार डाला। जो हम लोगों ने अपने पीड़ित युवक को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने 2 दिन बाद मृत घोषित कर दिया। तभी वहीं देखा जाए परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती जाकर अंतिम संस्कार करवा दिया, जहां पुलिस की घोर लापरवाही देखी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि। खबर लखनऊ से है, यहां चौक इलाके निवासी महिला रिजनवाना के पति पिछले 3 साल से गुमशुदा है। पीड़िता ने स्थानीय थाने में गुमशुदी का मुकदमा दर्ज कराया है, पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। पति की गैर मौजूदगी में महिला किसी तरह अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। पीड़िता ने सरकार से पति की तलाशी और रहने के लिए आवास की मांग की है। देख रही हैं कि लोग बहुत आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, कैसा महसूस हो रहा है? जी हमें बहुत गर्व हो रहा है अपनी मम्मी पे, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके हम लोग को पाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बुशरा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 19 साल है। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं कहाँ पे? ये नखास है। अच्छा, अकबरी गेट की ढाल उतर के। कहती क्या आप स्विगी में काम करती हैं? जी नहीं, स्विगी में काम नहीं करते। स्विगी में नहीं करती हैं। रिजवाना जी, कुछ अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी जीती हैं और कैसे कैसे आप संघर्षों के साथ, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 4 बच्चे हैं, एक की शादी कर दी लड़की की, बाकी 2 लड़की और 1 बेटा मेरे साथ में है। क्या उम्र होगी लड़की की? एक की तो 19 वर्ष की है, की है और बेटा है 11।
खबर रायबरेली से। यहां डीह थाना के हाजीपुर गांव में दो पक्षों के बीच कोटे की दुकान के चयन को लेकर विवाद हो गया है। कोटे की दुकान के आवंटन पर दीपिका मिश्रा और नीतू पांडे के बीच चुनाव संपन्न कराया जा रहा था। ग्राम प्रधान की अस्वस्थ की सूचना पर चुनाव अधिकारियों के चुनाव को स्थगित करने के निर्णय पर आक्रोशित ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक पीआरडी जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया और दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अराजक तत्वों ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए दुकान आवंटी सत्येंद्र मिश्रा की लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। आनन फानन में घायलों को पास के ही अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस उच्च अधिकारियों ने गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की है। खबर आए बरेली से है, जहां सदर कोतवाली के डिग्री कॉलेज चौराहे स्थित आइसक्रीम पार्लर के मैनेजर कर्मचारियों से मारपीट और लूटपाट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ितों ने बताया कि घर वापसी जाते वक्त एक पान की दुकान में पहले से उपस्थित अराजक तत्वों को गाली गलौज करने से मना किया तो उन्होंने ईंट पत्थरों से मारपीट कर 75,000 रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों से जांच पड़ताल कर आरोपियों के गिरफ्तार के निर्देश जारी किए हैं। एक लड़का वहाँ से गाली गलौज कर रहा था और दुकान वाले ने गाली दी, हम लोग भी गाली दिए और गुम्मा से मारने लगे थे और हम लोग की गाड़ी तोड़ डाली। बैग में 7,500 रुपए थे, वो भी लेके भाग गए हैं और हमारे पीठ पे गुम्मा मार दिए थे। हम लोग यहाँ पे भागते भागते पीछे गली में छुप गए थे। जब हमने 112 डायल किया तो हम लोग यहाँ आगे खड़े हुए थे भाई, तो अपने मालिक वालिक को फ़ोन किया था, वो लोग भी आए थे और थाना कोतवाली में रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। इस दौरान आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। जिला संयोजक गोलू वर्मा ने बताया कि असम के करीमगंज जिला निवासी शंभू कैरी के एक युवक ने चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के विरोध में SDM कार्यालय के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया गया है और भड़काऊ भाषण देने वाले धर्मगुरु नेताओं के खिलाफ ठोस कानून बनाने की मांग प्रशासन से की जा रही है। आज बजरंग दल द्वारा पूरे भारतवर्ष में जिहादियों द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, उस संबंध में रोष व्यक्त करते हुए बजरंग दल खुर्जा के जिला संयोजक गोलू वर्मा जी के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर महामहिम राष्ट्रपति से मांग की गई कि इस घटना में संलिप्त सभी जिहादियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि खबर कासगंज से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी को चौथी बार राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। गंज डूंडवारा समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष महमूद अंसारी ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में अब्दुल हाफिज गांधी ने सभी जिम्मेदारी की तत्परता से निभाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जिम्मेदारी को निभाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत प्रदान करेंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी पटियाली के विधानसभा अध्यक्ष मुनेंद्र शाक्य, राशिद महमूद, आमिर उर्फ राजू मोहम्मद आसिम उर्फ कल्लू समेत अन्य सपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर रायबरेली से, यहां फिरोज गांधी कॉलेज के सभागार में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सीएम योगी के 750 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य से अधिक 1200 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया है। राज्य मंत्री दिनेश कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक आपदा का खतरा न बराबर है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार में उद्यमियों को लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और उद्यमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे रायबरेली के प्रशासन को कि लगभग 750 करोड़ रुपए के उद्यम रायबरेली की भूमि पर स्थापित किए जाएं, जिसके क्रम में रायबरेली के प्रशासन ने मेहनत करके
लगभग 1200 करोड़ के आसपास निवेश का खाका तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली प्रशासन हमारी सरकार के सपनों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतर रहे हैं और रायबरेली को एक समृद्ध रायबरेली की स्थापना की ओर बनाने में हमारे उद्योग जगत के, रायबरेली के लोग जो आज मंच पर सब इकट्ठा हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में जो बनी है, इसने एक माहौल क्रिएट किया है कि उद्यमी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगावें, और उद्योग ही ऐसा है जो कि रोज़गार को डेवलप कर सकता है। कोई भी सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, उद्योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से अधिक संख्या में लोग उद्योग लगाएंगे। रायबरेली जनपद में इतना अच्छा और सफल आयोजन मेरा ख्याल किसी और जनपद में नहीं हुआ होगा, और जो भी हम लोग के टारगेट्स थे वो पूरे हुए हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पुराने उद्यमी जितने भी थे वो सब आए और वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नए जो भी आएंगे उनको हम लोग पूरी सहायता उनमें सहायक सिद्ध होंगे। खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली के सैमबसी गांव में 10 फुट लंबा विशालकाय अजगर निकलने का मामला प्रकाश में आया है। अजगर निकलने की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। घटना की जानकारी पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का सफल रेस्क्यू किया है और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है। अजगर की रेस्क्यू की जानकारी पर स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। खबर श्रावस्ती से है, यहां पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देश पर साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने 4 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर भनुगा बस अड्डे के पास गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड समेत 1,47,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की पहचान रिंकू शर्मा पुत्र धर्मपाल शर्मा निवासी पीताम्बर नगर थाना कोतवाली के सदर उन्नाव के रूप में की है। पुलिस आरक्षी आफ्ताब आलम से आरोपी युवक ने कुछ दिन पहले करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। उन्होंने एक तहरीर दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक ऐप है जिसका नाम है लार्ज टका ऐप। उस ऐप के द्वारा उनको एक लिंक प्राप्त हुई और उस लिंक के माध्यम से उनसे एक आदमी संपर्क में आया और ओटीपी शेयर करने के लिए कहा, उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड को शेयर करने के लिए कहा। जब उनके द्वारा ये किया गया तो उनके खाते से पैसा डिडक्ट हो गया। इस तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया गया 420 IPC और 66 CIP एक्ट के अंतर्गत, और 24 घंटे के अंदर हमारी साइबर टीम और थाना भिंगा की टीम ने इसमें एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम है रिंकू शर्मा, जो कि उन्नाव का रहने वाला है। और जब उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हम लोग ने देखा तो ये पता चला कि 15 दिन के अंदर इसने 4 करोड़ की ठगी जो है अन्य कई और लोगों से की है और पैसे को भी इधर से उधर किया है। इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसमें अग्रविधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।